तो यानी कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जिससे हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे पावर सेक्शन से रिलेटेड शॉर्टिंग है, और यहाँ पे भी एक कैपेसिटर हीट हो रहा है। तो हम सबसे पहले इन कैपेसिटरों को चेक करेंगे। अभी भी शॉर्टिंग है यहाँ पर। यहाँ पे लोड देखिए ले लिया इसने, ये देखिए डिस्प्ले आ चुका है। हेलो दोस्तों, एके इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाना है। मेरे को एक मेरे पास लैपटॉप आया है डेल का 3551, जिसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि जैसे ही हम चार्जर लगाते हैं तो चार्जर की LED ऑफ हो जाती है, यानी कि वो इंडिकेशन दे रहा है कि शॉर्टिंग है। तो ये बोर्ड हमारे पास है डेल का, तो ये डेल के बोर्ड में ही हमें ये प्रॉब्लम शूट आउट करनी है। तो अभी हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको जो ना लाइव में किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल में डायरेक्ट हम शॉर्टिंग को कैसे फाइंड करते हैं इजी वे में। तो एक इजी तरीका हम आपको बता रहे हैं। तो ये सबसे पहले हमें DC पावर सप्लाई को चेक करना है 19 वोल्ट के ट्रैक पे। इसको 19 वोल्ट पे ही सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद इसका एम्पियर आपका 4.9 या 5 एम्पियर के आसपास रहेगा। तो इसमें शॉर्टिंग है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका वोल्टेज को डाउन कर लेंगे, और डाउन करने के बाद इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने जैसे 5 वोल्ट पे सिलेक्ट किया हुआ है, और अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से अगर DC पावर सप्लाई है आपके पास, जैक है तो जैक भी लगा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट सप्लाई आप दे सकते हैं इस तरीके से। और इस यहाँ पे हमें क्या करना है, अब इसको पॉइंट को ग्राउंड करेंगे, और ग्राउंड करने के बाद हम सबसे पहले चेक करेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है या एम्पियर ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पे हम ऑन कर रहे हैं, तो ऑन करने पे देखिए यहाँ पे वोल्टेज जो 5 वोल्ट था वो आपका 3 वोल्ट हो रहा है। तो यानी कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जिससे हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे पावर सेक्शन से रिलेटेड शॉर्टिंग है। तो हम शॉर्टिंग कहाँ पर है इसको हमें चेक करना है। तो हम सबसे पहले आपका मल्टीमीटर से वोल्टेज वगैरह देखते हैं, कौन से कंपोनेंट में प्रॉब्लम आ रहा है या 19 वोल्ट के ट्रैक में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको कैसे सूट आउट करना है। तो इस मल्टीमीटर की प्रॉब को हम रखेंगे, ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, और इसको DC वोल्टेज पे सिलेक्ट कर लेंगे। और ऑन करने के बाद हमें सबसे पहले तो DC जैक पे ही सप्लाई चेक करना है कि यहाँ पर सप्लाई कितना आ रहा है। ये देखिए 2 वोल्ट आ रहा है, जबकि हमने 5 वोल्ट यहाँ से दिया हुआ है, और यहाँ पे वोल्टेज आपका ड्रॉप हो रहा है। तो इसका साथ में सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक MOSFET लगा हुआ है जो पावर सेक्शन से ही रिलेटेड है, और पावर सेक्शन से रिलेटेड फर्स्ट MOSFET आपका है। तो यहाँ पर हमें वोल्टेज मिलना चाहिए, यहाँ पर हम चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी 2 वोल्ट आ रहे हैं, और इसके जो ये सोर्स यहाँ पे पी चैनल MOSFET का यूज़ किया गया है, यहाँ कर इसके गेट पे वोल्टेज 1.9, जबकि यहाँ पे वोल्टेज आपको 15 वोल्ट या 18 वोल्ट या 24 वोल्ट 28 वोल्ट, तो हर बोर्ड में अलग अलग होता है, लेकिन पावर सेक्शन में जो गेट पे वोल्टेज आ रहा है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पा रही। तो अब हमको क्या करना होगा, यहाँ से इसको हमें सप्लाई को फाइंड करने के लिए आगे ट्रैक में डायरेक्ट सप्लाई देना होगा। तो डायरेक्ट सप्लाई देने के लिए यहाँ से हमें सप्लाई को डिसकनेक्ट करने के बाद यहाँ से एक, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर चार्जिंग सेक्शन है, और इसका एक लोड रजिस्टर लगा हुआ है बड़ा सा। तो इस रजिस्टर पर हमें डायरेक्ट सप्लाई दे के चेक करना है, और जब हम सप्लाई देंगे तो सप्लाई देने के बाद हमें यहाँ पे हमें चेक करना है कि कोई चीज़ हीट तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम ये देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर भी हीट हो रहा है, और यहाँ पे भी एक कैपेसिटर हीट हो रहा है। तो हम सबसे पहले इन कैपेसिटरों को चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कैपेसिटर शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो हमें सबसे पहले कैपेसिटर को डिसकनेक्ट करना है SMD मशीन के थ्रू।
अब यहाँ पर हमने क्या किया, कैपेसिटर तो निकाले हैं जो हीट हो रहे थे, तो उसको हमें देखना है कि उसके बाद भी शॉर्टिंग है या फिर अभी भी शॉर्टिंग है यहाँ पर। इसका मतलब है कि ये कैपेसिटर, ये देखिए इस ट्रैक पे कोई, यहाँ पे कैपेसिटर को भी हम चेक कर लेते हैं, तो कैपेसिटर हमारे बिल्कुल सही हैं। तो अब हमको क्या करना होगा, इस ट्रैक को निकाल के यहाँ से सप्लाई आगे देना पड़ेगी। अब ये 19 वोल्ट के ट्रैक पे है, तो 19 वोल्ट का ट्रैक कई जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे यह चार्जिंग सेक्शन पे भी जाता है, आपका 3-5 जो सेक्शन है रेगुलेटर सेक्शन उस पे भी जाता है। यहाँ पर भी देखिए ये रेगुलेटर सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पर भी सप्लाई जा रहा है, तो ये VRM सेक्शन पे भी MOSFET पे सप्लाई डायरेक्ट जाता है। तो हमें हर सेक्शन को वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप चेक करना होगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट सप्लाई लगा के चेक करते हैं, जिससे हमें इजी वे में फाइंड हो जाएगा, क्योंकि MOSFET के दूसरे साइड पे सप्लाई हमारी ड्रॉप हो रही है, क्योंकि गेट को वोल्टेज मिल रहा है, इसका मतलब उधर का सप्लाई आपका ओके है। तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट चेक करेंगे फिर से वापस लगाने के बाद, और स्टेप बाई स्टेप हम हीट को देखेंगे कहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है कंपोनेंट, तो उस कंपोनेंट को हम डिस्कनेक्ट करके चेक करेंगे। इस साइड तो कोई भी कंपोनेंट हीट नहीं हो रहा है, तो हम दूसरी साइड पे चेक कर लेंगे। यहाँ पर हम एक बार कंपोनेंट फिर भी चेक करते हैं। ये कंपोनेंट यहाँ पे शॉर्ट दिखा रहा है, लेकिन हीट नहीं हो रहा है, तो एक बार फिर से ऑन करके चेक करेंगे हम। यहाँ पर एक कंपोनेंट आपका ये हीट हो रहा है, इसको हम एक बार फिर से चेक करते हैं। अब कंपोनेंट निकालने के बाद हमें ये चेक करना है शॉर्टिंग अभी है या फिर ये देखिए, अब यहाँ पर अब हम इसको वोल्टेज बढ़ा के चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अब ड्रॉप वोल्टेज नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरी यहाँ पे शॉर्टिंग निकल चुकी है। तो ये देखिए, ये कैपेसिटर आपका शॉर्ट है, ये जो बीप शो कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पर हम पहले वोल्टेज चेक करते हैं, पॉइंट को ग्राउंड करेंगे, और ये आपका मेन MOSFET है,
ये देखिए यहाँ पर 19 वोल्ट प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है हमको। आउटपुट के साइड और यहाँ पर इसको ऑन करके एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए LED यहाँ पर जल रहे हैं, तो इसको हम सबसे पहले ऑन करके चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट, और यहाँ से हम चेक करेंगे इसको। ये आपके लोड देखिए ले लिया इसने, अब इसमें डिस्प्ले आ चुका है, अब रैम के थ्रू हम डिस्प्ले चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम ऑन कर रहे हैं इसको, ये देखिए डिस्प्ले आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप किसी भी शॉर्ट सर्किट को इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, और एक इजी वे हमने तरीका बताया आपको किस तरीके से फाइंड करना है। तो आगे और भी अच्छे आपको वीडियो मिलते रहेंगे, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।